हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैलाश नगर में किसान मोर्चा का दिवाली स्नेह मिलन समारोह हुआ संपन्न। पोसालिया समीपवर्ती कैलाश नगर में आज तुलसी विवाह व देव उठनी एकादशी के अवसर पर जिले के कैलाश नगर गांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री गणपत सिंह जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, विशिष्ट अतिथि श्री लुम्बाराम जी चौधरी जिला परिषद सदस्य पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह जी माडानी जिला परिषद सदस्य ठाकुर श्री विशन सिंह जी देवड़ा प्रधान प्रतिनिधि कैलाश नगर, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री नाथुराम जी पुरोहित श्री कैलाश जी जिरावल आदि की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी ने सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में मुकेश जी उप सरपंच, नादर जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा नरपत सिंह जी रावलवान, देशमल जी राजपुरोहित, भवर लाल जी, फुलाराम जी, हंसाराम जी सुथार, नाथू जी पुरोहित, मनोज जी रावल, भवर सिंह जी, रामन जी रावल, गणेश जी फोदर सहित भाजपा युवा मोर्चा व किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सहित गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। समारोह में लुम्बाराम जी चौधरी, गणपत सिंह जी, दिलीप सिंह जी माडानी, शिवगंज प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर, किशन सिंह जी देवड़ा आदि ने संबोधित किया। सभी ने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों, गांव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य की बढ़ती समस्याओं हेतु गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। ज्ञात हो कि किसान बिजली की समस्या से पूरी तरह से त्रस्त है। पर्याप्त पानी के बावजूद समय पर बिजली नहीं दी जा रही, साथ ही गहलोत सरकार ने आने के बाद किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सभी ने कार्यक्रम में उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी तथा कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखलाएगी। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।